तो आईपीएल किसी को अर्श पे बैठा देता है, किसी को फर्श पे बैठा देता है, ये आज हमको अच्छे से समझ में आ चुका है। क्योंकि कल हमने देखा कि ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर जैसे बड़े खिलाड़ियों को 25, 26, 27 करोड़ मिल गए, लेकिन आज बड़े नाम जो हमारे भारतीय खिलाड़ी है, खास करके काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, जिनको आज अनसोल्ड रहे। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे पहले न्यूजीलैंड के जो केन विलियमसन है उनकी बात करूंगा, जिनका बेस प्राइस था 2 करोड़, ये भी अनसोल्ड रहे। उसके बाद न्यूजीलैंड के ही खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स, अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, अच्छी फील्डिंग है उनकी, फिर भी अनसोल्ड रहे। इन्होंने भी अपनी बेस प्राइस 2 करोड़ रखी थी। इसके बाद अजिंक्य रहाणे, जी हाँ दोस्तों, अजिंक्य रहाणे की बात करूँ तो उन्होंने तो अपनी बेस प्राइस सिर्फ 1.5 करोड़ रखी थी, लेकिन वो भी फिर भी अनसोल्ड गए। इसके बाद भारतीय टीम के जो कुछ दिनों पहले के टेस्ट के खिलाड़ी थे मयंक अग्रवाल, इन्होंने अपनी बेस प्राइस सिर्फ 1 करोड़ रखी थी और कोई भी उन्हें 1 करोड़ में भी लेने के लिए तैयार नहीं। इसके बाद बात करूं पृथ्वी शॉ, पृथ्वी शॉ ने तो अपनी बेस प्राइस सिर्फ 75 लाख रखी थी, फिर भी उनको 75 लाख में भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ और वो भी प्लेयर अनसोल्ड गए हैं। इसके बाद सबसे बड़ा नाम है शार्दुल ठाकुर का। जी दोस्तों, शार्दुल ठाकुर ने अपनी बेस प्राइस मेरे ख्याल से 2 करोड़ रखी, जो कि काफ़ी अच्छी रखी, क्योंकि अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग सब कुछ कर सकते हैं, वो अच्छे ऑलराउंडर है, फिर भी इनको भी कोई भी खरीदार नहीं मिला और ये भी अनसोल्ड गए। और इसके बाद आखिर में कहूँगा कि डैरी मिचल, जो न्यूजीलैंड के अच्छे खासे प्लेयर है, अच्छे खासे ऑलराउंडर है, फिर भी इनको भी कोई खरीदार नहीं मिला। तो ये थे टॉप अनसोल्ड, आज के अनसोल्ड प्लेयर की लिस्ट। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।